हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कौमुदी से गीता। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सचिन, चांदनी एंड प्रियंका, पूजा, रजनीश, जैन सिंह, आराध्या, अंशुल एंड इंस्पिरेशंस, चेरी ब्लॉसम्स एंड भारती एंड भानुप्रिया, धनंजय, राज, आलोक एंड दीप्ति, अविनाश, चांदनी एंड श्रियांशी, राम, लखन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड कला, कलाकारी, आर्टिस्ट। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज आपका डीडब्ल्यूएसबी का जो पेपर है, सॉल पेपर 2018 है। इससे पहले मैंने 2021 आप लोग को पेपर करा दिया है, तो आज ये पेपर कराने जा रहे हैं 2018 का। वैसे आप लोग का आज आप एनसीईआरटी होने जा रही थी, लेकिन आप लोगों का कुछ थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोग को कुछ क्लास मिस करने से अच्छा है कि आप लोग का कम से कम पेपर तो करा ही दिया जाए। ठीक है, तो बाकी आप लोग जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर होंगे आप लोगों के, आरपीएससी का, डीडब्ल्यूएसबी का, केवी का, जितने भी हो सकते हैं, तो बीच बीच में आप लोग को करा दिया जाएगा। ठीक है, मैं कहाँ हूँ देखो, ध्यान से देखो, दीप्ति मैं दिखाई दे रही हूँ। देखो सभी स्टूडेंट बताइएगा, क्या मैं दिख रही हूँ? सभी को दिख रही होंगी, है ना? अच्छा, मतलब देखना जरूरी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, पत्थर की मार विजय मूर्ति कला किस गुफा संख्या में स्थित है? आसान तो है क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए। हाँ चलो, अरे हाँ दिख रही है, बिल्कुल देखो, तो फिर दिख रही है तो फिर कैसे हो सकता है, बिल्कुल दिख रही हूँ ना। तो यहाँ पर फर्स्ट का आंसर दिया है 26। ठीक है, तो इसमें कुछ बताने के ना, यहाँ पर मार विजय अगर यहाँ पर बात करते हैं, चित्र की बात करते हैं, मूर्ति की तो पता ही है, बाकी गुफा संख्या एक में हो जाएगा। ठीक है, अगर चित्र की बात करते हैं, गुफा संख्या एक में चित्र हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का सेकेंड है, पांचवी शताब्दी के ध्यान मग्न बुद्धा किससे संबंधित है? बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। बताइएगा तो सभी ने आंसर दिया है, जब लिखेंगे तब देखेंगे। अच्छा, क्या देखेंगी, क्या दिखेंगी? हाँ, सेकंड का भी आंसर दिया है सभी लोगों ने, वेरी गुड, गुप्त आंसर दिया है, बिल्कुल। तो पांचवी शताब्दी के जो ध्यान मग्न बुद्धा हैं किससे संबंधित हैं? और ये भी याद रखना कि पांचवी शताब्दी, ठीक है, पांचवी शताब्दी, ध्यान मग्न बुद्धा, ठीक है, तो ये बिल्कुल गुप्त का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है थ्री है, सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं जो हैं किस स्थान से संबंधित हैं? चलिए बताइएगा, लोधल है, चनहूदड़ो, कोडदी जी, बनवाली हैं। तो सभी ने थर्ड का भी आंसर बताया है, चनहूदड़ो, वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर है, चनहूदड़ो ही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर दायमाबाद है, लेकिन डोमाबाद लिखा है, डोमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? और मैंने आप लोग को कहा था जितने भी स्थान है, जितने भी केंद्र हैं सैंधव सभ्यता के, आप लोग नदी तो जरूर याद रखिएगा, नदी तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बाकी मैंने इसकी पूरी लिस्ट बनवा दी है, एनसीईआरटी में भी करवाया है, उसमें भी बताया है, और अलग से भी क्लास थ्योरी करवाई है, उसमें भी करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पर डोमाबाद कौन सी नदी हो जाएगी? तो बिल्कुल गोदावरी नदी हो जाएगी, वेरी गुड। तो अरविंद, मनीषा, भानुप्रिया, रामलखन एंड असित, अंशु, सभी लोगों ने बहुत चांस दिया है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, ये तो छोटा सा रह गया, चलिए कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किया? तो किस सम्राट ने, सम्राट आप लोग को दिखा देती हूँ, देव वर्मन है, अशोक है, कुरान है और सम्प्रति है। चलिए इन्हीं तीन में से बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो सभी ने आंसर दिया है, फाइव का भी आंसर दिया है, वेरी गुड। चलिए तो बिल्कुल अशोक ही है, जिन्होंने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है सिक्स है, गंगा के किनारे मौर्य, गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ स्थित है? तो गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित जो है एक विशाल लकड़ी का किला कहाँ पर स्थित है? बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सभी ने आंसर दिया है,
तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सभी ने दिया है बिहार, डी डी सभी लोगों ने, कुछ लोगों ने ए भी आंसर दिया है, नहीं बिहार हो जाएगा बिहार। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जो मौर्य द्वारा विशाल लकड़ी का किला जो है कहाँ पर स्थित हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पर पाया गया है? माउंट गोमरी, लोथल धौलावीरा या फिर कालीबंगा? तो सभी ने इसका राइट आंसर दिया है, कौन सा दिया है? 7 का सी आंसर दिया है, धौलावीरा। वेरी गुड, बिल्कुल धौलावीरा को रॉक कट आर्किटेक्चर मतलब माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 8 है, गुप्त अवधि की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी हैं? बताइएगा अंजू। वेरी गुड आफ्टरनून, चलिए बताइएगा धौलावीरा, धौलावीरा। तो सभी लोग ने धौलावीरा आंसर दिया है। 9 का आंसर, 8 का आंसर सी दिया है सभी लोगों ने, देवताओं के चारों ओर। चलिए, तो सभी लोगों ने यही आंसर दिया है जो बिल्कुल सही है। तो देवताओं के चारों ओर हॉलों की विस्तृत सजावट। गुप्त की अवधि मूर्तियों का निम्नलिखित विशेषताएं क्या है? तो गुप्त देवताओं के चारों ओर हॉलों की विस्तृत सजावट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे? तो 8 का सी आंसर दिया है, हाँ ये भी है, पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे? नेटवर्क परेशान कर रहा है, अच्छा नेटवर्क क्यों परेशान कर रहा है, और भी किसी को परेशान कर रहा है? 9 का ए आंसर दिया है, पुष्यमित्र। वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर है। तो पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे, याद रखिएगा पुष्यमित्र हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कुषाण काल में बैठे हुए बुद्ध जो है कटरा माउंट, यानी कि कटरा माउंट मथुरा की बात कर रहा है, तो बैठे हुए बुद्ध की जो मथुरा में प्राप्त हुई है ये कहाँ पर स्थित है? अब चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सभी ने बताया है इसका राइट आंसर, बैठे हुए बुद्ध कहाँ पर हो जाएंगे, तो मथुरा में हो जाएंगे, मथुरा है तो मथुरा हो जाएगा। वेरी गुड, सरकार संग्रहालय मथुरा या पुरातत्व। क्वेश्चन नंबर है 11 है, पद्म पाणी, ये तो बहुत आसान है, पद्म पाणी चित्रकला में फूल धारण करने वाले बुद्ध का कौन सा रंग है? तो सभी ने 10 का सी आंसर दिया है, नीला कमल, नीला कमल। 10 का बी लाल गुलाब, अच्छा 11 का सी आंसर दिया है। मैम प्लेलिस्ट में यूथ की बुक का बना दिया है मैंने, आप लोग एक बार चेक करिए, मैंने यूथ की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, जितनी जितनी भी क्लास होती जाती है मैंने पूरा बना दिया है। ठीक है, क्या है परिनूर ऑफिशियल वाली डाल दो, 3 ही आई है बस, नहीं 3 नहीं आई है, आप दोबारा चेक करिएगा, पूरा कंप्लीट हो गया है। तो 11 का सी आंसर दिया है, नीला कमल, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हरप्पन सील या फिर हड़प्पा सील, हरप्पन सील का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है, तो बताइएगा 11 का सी आंसर दिया है और 12 का आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो सभी ने बताया है, अब देखो यहाँ पर हरप्पन सील है, तो हरप्पन सील का अधिकार को इंगित करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, व्यापार के लिए भी बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ये कह सकते हैं, देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा, एक तरफ लिखा है व्यापार और यहाँ पर लिखा है संपत्ति का स्वामित्व लिखा है। ठीक है, यहाँ पर जो बेस्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, संपत्ति का स्वामित्व। वेरी गुड, तो याद रखिएगा हड़प्पन सील का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता था, संपत्ति का स्वामित्व है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 13 है, बिहार गुफाओं का अर्थ क्या है? अब ये तो बहुत आसान है, चलिए तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है, बिहार गुफाओं का अर्थ क्या है? तो सभी ने आंसर दिया है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर निवास हॉल के साथ मठ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पद्मपाड़ी चित्रकला का नाम पद्मपाड़ी क्यों है? अब देखो वही क्वेश्चन है और देखो रिपीट यही हो रहा है, मतलब एग्जाम में ही रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पर पद्मपाड़ी चित्रकला का नाम पद्मपाड़ी क्यों है, क्योंकि उसके हाथ में क्या है, हाथ में कमल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन से स्कूली कलाकार बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे? बताइएगा कौन से स्कूली कलाकार बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे, कुषाण, मथुरा, गुप्त या फिर गांधार? अब देखो सबसे ज्यादा बौद्ध विषयों की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा कुषाण काल में गांधार शैली में सबसे ज्यादा बने थे। ठीक है, मतलब मथुरा से भी ज्यादा, मथुरा में तो मतलब तीनों का ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मथुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो सॉरी गांधार हो जाएगा इसका राइट आंसर, गांधार में सबसे ज्यादा बौद्ध प्रतिमाएं मिली थी और बौद्ध विषयों पर सबसे ज्यादा काम किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है?
चलिए तो बताइएगा, निम्नलिखित में से जो है कौन सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है? तो सभी ने आंसर बताया है 16 का डी, हड़प्पा। वेरी गुड, बिल्कुल हड़प्पा में दिखाई देती है, आलमगीरपुर मेरठ। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं हीनयान दृष्टिकोण को दर्शाती हैं? 17, 9, 17, 19, 26, लेकिन यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर मैंने दोनों ही पेपर देखे थे, DSSB वाला जो पेपर है उसमें दोनों में ही यही आंसर बताया है, जो DSSB वाला पेपर है उसमें जो बताया है यहाँ पर 8 और 13। हाँ बिल्कुल, DSSB का ही पेपर है ये, 2018 का पेपर है, ये 2018 का पेपर है, ठीक है। मैंने इससे पहले 2021 वाला करा दिया है ना, 2021 था, 20 था, 2021 वाला पेपर करा दिया है, ये 2018 वाला पेपर है। तो 17 का सी आंसर बताया है। देखो यहाँ पर आंसर पता नहीं क्यों इन्होंने ये वाला माना है, ये वाला ही माना है, लेकिन ये बाद में सही हो गया था, तो ये वाला आंसर इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो बता देती हूँ कि पहले में जो आंसर की आई है उसमें ये आंसर सही माना है, लेकिन 15 नहीं है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो 8 से 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 18 है, देवी माँ या फिर मदर गॉड, इसकी सबसे विशेष मतलब सबसे विशेष विशेषता क्या है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, या फिर इस टाइप से पूछ सकते हैं। तो 18 का बी आंसर दिया है, पंखे नुमाकार जो है टोपी हो जाएगा, बिल्कुल सही है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, जैन धर्म की 24वें तीर्थंकर की एक जो है वर्गपीठ, ठीक है, वर्गपीठ पर बैठे हुए मूर्ति के मुद्रा को क्या कहा जाता है? अब देखो यहाँ पर क्या क्या है ये भी आप लोग को दिखा देते हैं, वज्र प्रिंकासना मुद्रा आप लोग को दिख रहा है, चलिए तो अब दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर जैन के 24वें तीर्थंकर की एक वर्ग पीठ पर बैठे हुए मूर्ति के मुद्रा को क्या कहा जाता है, एक बार आप लोग को जैन धर्म पढ़ाना पड़ेगा तो आप लोग को और भी अच्छे समझे। 19 का डी आंसर दिया है, वेरी गुड, जिन्होंने 19 का डी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है, वज्र प्रिंकासना मुद्रा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 20 है, कौन सा, एक मिनट इसको छोटा कर लेते तभी आप लोग को बहुत अच्छे से दिखाई देगा, एक मिनट। सही से आंसर दिखेगा, ठीक है। अब यहां पर चार ऑप्शन दिखेंगे, सिंधु सभ्यता में किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है? अब यहाँ पर देखो क्या क्या है, स्क्रिप्ट और ताबा, कान से लेखा। अच्छा सभी लोगों ने आंसर दे भी दिया, वेरी गुड, तो बिल्कुल यहाँ पर स्क्रिप्ट और ताबा है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन पढ़ ही रखा है पहले से ही बहुत बार। क्वेश्चन नंबर है 21 है, सिरे परद्यू, अब देखो सियर परद्यू या फिर सियर परद पर सियर सिरे परद्यू होता है वैसे तो सिरे परद्यू तकनीक किससे संबंधित है? मिट्टी के बर्तन, बिल्कुल भी नहीं, मिट्टी सिरे परद्यू किसमें काम आता है जल्दी से बताइएगा, सिरे परद्यू, सिरे परद्यू क्या है, मतलब किस में क्या यूज करते हैं, मतलब मिट्टी का प्रयोग करते हैं, धातु का करते हैं, किसका करते हैं? तो सभी ने बताया है इसका राइट आंसर मूर्ति है, 21 का बी आंसर बताया मैंने आप लोग को, सिरे परद्यू धातु मूर्ति, वेरी गुड कीर्ति, बहुत बढ़िया। हाँ कांस्य को ढालने के लिए मूर्ति, बहुत बढ़िया मनीष यात्रा, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर मूर्ति हो जाएगा, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि धातु का यूज करते हैं, क्योंकि मूर्तियां तो बनती हैं, बहुत सारी मूर्तियां बनती हैं, धातु से भी बनती है, फाइबर से भी बनती है, मिट्टी से भी बनती है, सिरामिक्स भी बनती है, पत्थर से भी बनती है, बहुत सारी मूर्तियां बनती हैं, तो सिरे परद्यू मतलब ये कह सकते हैं धातु से है। इंडो सरसेनिक वास्तुकला के रूप में कौन सी शैलियों को जाना जाता है बताइएगा, PS राधे राधे, चलिए बताइएगा, इंडो सरसेनिक वास्तुकला के रूप में कौन सी शैलियां जाना जाता है? तो सभी ने 22 का आंसर दिया है, तो पहले तो आप लोग बताइएगा, तो चलो सभी ने आंसर दे दिया है, तो इंडो सरसेनिक वास्तुकला के रूप में कौन सी शैलियां जानी जाती है? तो 22 का सी आंसर दिया है, इंडो ग्रीक नहीं, इंडो इस्लामिक, इंडो सरसेनिक वास्तुकला के रूप में कौन सी शैलियां जानी जाती हैं? तो इंडो इस्लामिक, ठीक है, कौन सी, इंडो इस्लामिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा मंदिर योजना के एक तारा की तरह दिखता है, उसे तारामय योजना के रूप में भी जाना जाता है? चलिए तो फिर बताइएगा कि कैलाश मंदिर है, होयसलेश्वर मंदिर है,
पापनाथ मंदिर है या फिर विजयनगर। चलिए तो बताइएगा कौन सा मंदिर योजना एक तारा की तरह दिखता है। 23 का बी आंसर दिया है होयसलेश्वर मंदिर। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया है, तो बिल्कुल होयसल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 24 है कि प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है, तो वो कौन सा स्थान नहीं है। ये तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था, जब आप लोगों ने शायद क्या पढ़ा था, अभ्रंश शैली पढ़ा था, है ना। अभ्रंश शैली में भी आप लोगों ने कल ही पढ़ा था शायद ये वाला। तो दिल्ली है, बंगाल है, मांडू है या फिर गुजरात है, तो सभी ने बताया है। तो प्रांतीय शैलियों का ये स्थान नहीं है, तो बिल्कुल दिल्ली। ठीक है, बाकी ये किसके स्थान हो जाएंगे जल्दी से बताइएगा। देखो अभी मैंने बताया ही है, तो बिल्कुल हाँ जी मैम, देखो इसका मतलब समझ गए किसके केंद्र है, आप तो समझ गए, यानी कि सब लोग जान गए। तो 24 का चलो सभी लोग को पता है, तो जल्दी से बताइए किसके केंद्र है। बंगाल, मांडू, गुजरात, किससे मिलते जुलते हैं। जैन शैली, जैन, आराध्या, भानुप्रिया और मध्य कला। अच्छा, वेरी गुड, कीर्ति एंड मनीषा, काजल, सभी लोग को पता है अभ्रंश। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजा गांडा से कौन सा मंदिर संबंधित है। राजा गांडा से कौन सा मंदिर संबंधित है, या इनके समय का कौन सा है? मतलब ये कह सकते हैं गंगवंश, राजा गांडा, ठीक है, गंगा। राजा गांडा से कौन सा मंदिर है, तो जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर। तो सभी ने बताया है 25 का डी आंसर दिया है कंदरिया महादेव मंदिर। वेरी गुड, बिल्कुल कंदरिया महादेव मंदिर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, कोणार्क नहीं है, कंदरिया महादेव मंदिर। क्वेश्चन नंबर है 26 है, कौन सी गुफा सबसे उस उल्लेखनीय थीम को दिखाती है जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने की थीम को दिखाया गया है। तो 26 का बी आंसर बताया है 16। वेरी गुड, बिल्कुल रावण द्वारा माउंटेन कैलाश हिलाते हुए जो है कहां पर है, ये गुफा नंबर 16 में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा चोल मंदिर वास्तुकला का हिस्सा है ही नहीं, तो कौन सा इसमें जो है गर्भगृह, निच या फिर देवाकुष्ठ या फिर कुदस, तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा चोल मंदिर वास्तुकला का हिस्सा नहीं है। तो 27 का डी आंसर दिया है, 26 का सी आंसर दिया है और 27 का गर्भगृह। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा आंसर दिया है, तो बिल्कुल चोल मंदिर वास्तुकला का हिस्सा नहीं है, तो बिल्कुल गर्भगृह, जहां पर मेन जो मूर्ति रखी जाती है, जो प्रमुख मूर्ति होती है वहां पर रखी जाती है, मेन स्थान जो होता है गर्भगृह। क्वेश्चन नंबर है 28 है, मंदिर की निम्नलिखित में से कौन सी नागर शैली पूर्वी भारत में शैली पूर्वी भारत में है। देखो ये जो है आप लोग को यही टॉपिक कराने वाले हैं, यही वाला जो कल है टॉपिक कराएंगे मंदिर वाला, जिसमें देखो कम से कम मान के चलो कि डी ट्रिपल एस बी में मंदिर से आप लोग को जो कल कराएंगे, आज तो रह गया है, कल पक्का कराएंगे आप लोग को, ये बात याद रखिएगा, डी ट्रिपल एस बी में आप लोग को जो टॉपिक से आएगा, मतलब मंदिर के मान के चलो 10 क्वेश्चंस कम से कम आएंगे ही आएंगे, 10 क्वेश्चन मान के चलो आपके मंदिर के क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, तो मंदिर को भी बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। बाकी यहाँ पर है, मंदिर में निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है नागर शैली पूर्वी भारत में शैली भारत में है, तो सभी ने इसका राइट आंसर बताया है, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, तो जगन्नाथ। ठीक है, वेरी गुड, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, सन 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में झंडे का प्रस्ताव किसने रखा था, तो बताइएगा किसने रखा था। तो सभी ने इसका जो राइट आंसर दिया है, तो कौन सा दिया है, 29 का आंसर बी आंसर दिया है। वेरी गुड, ये तो सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, तो याद रखिएगा 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में झंडे का प्रस्ताव किसने लिखा था, तो बिल्कुल गांधी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, महामलिपुरम या महाबलिपुरम, ठीक है, में पूर्व और पश्चिम में निम्न में से कौन सा मंदिर स्थापित है, तो बताया डिजाइन किया है पिंगली वेंकैया ने। वेरी गुड निशा, बहुत बढ़िया, तो मैम डी, अच्छा डी आंसर बताया, कौन सा डी हो जाएगा, नहीं वो तो डिजाइन किया था ना, तो यहाँ पे 30 का शिव आंसर बताया है, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर
वेरी गुड। चलिए तो सभी ने क्या आंसर बताया है, शिव आंसर, क्योंकि महाबली जो महाबलीपुरम या महाबलीपुरम में पूर्व और पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापित है, तो बिल्कुल आपका शिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला फीचर या फिर दिक्पाल का प्रयोग करता है, दिक्पाल का प्रयोग करता है, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सभी ने इसका जो राइट आंसर दिया है वो कौन सा दिया है, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, चोल हो जाएगा। वेरी गुड। तो 31 का बी, तो याद रखिएगा मंदिर वास्तुकला शब्द जो है फीचर दिक्पाल का उपयोग करता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर चोल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 32 है, कौन से इंडो इस्लामिक वास्तुकला पारंपरिक रूप से वर्गीकृत नहीं है। हाँ, तो कल आप लोग को कराएंगे मंदिर, तो मंदिर में आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसी वजह से मैंने वो कराया है नहीं, क्योंकि मैं उसको, मुझे पता है ना बहुत सारे स्टूडेंट ने मंदिर को इतना डीपली नहीं पढ़ा है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो कल मंदिर पढ़ाएंगे तो उसको बहुत अच्छे से कराएंगे कि ताकि आप लोग को एक बार में समझ में आ जाए कि क्या क्या, कौन कौन से अंग और कौन कौन से क्रम, कौन से ये सब होते हैं, बाकी पूरा एनसीईआरटी में तो इतना क्लियर है नहीं, मैं आप लोग को कल बता दूंगी। ठीक है, तो कौन से इंडो इस्लामिक वास्तुकला पारंपरिक रूप से वर्गीकृत नहीं है, तो सभी ने बताया है इसका राइट आंसर बिल्कुल ग्रीको शैली। ठीक है, तो यहाँ पर इंडो इस्लामिक वास्तुकला पारंपरिक रूप से वर्गीकृत नहीं है, तो वो ग्रीको शैली है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, गोल गुंबद बीजापुर में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयोग की गई है। मैम ये हर बार पढ़ते हैं और हर बार कंफ्यूजन होता है, निशा कौन सा वाला कंफ्यूजन होता है, ये वाला कि मंदिर वाला, चलिए तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो सभी ने बताया है गोल गुंबद का आंसर बताया है गहरा भूरा बेसाल्ट। मैम मेरा स्थापत्य वास्तुकला बहुत ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, पीएस ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है गहरा भूरा बेसाल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन से स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है, तो कौन से स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है। अच्छा मुझे राज कह रहे हैं, मुझे भी मंदिर से बहुत डर है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसको कल कराते हैं तभी आप लोग को अच्छा लगने लगेगा मंदिर, फिर आप लोग को मंदिर ही मंदिर चारों तरफ नजर आएंगे, जब आप लोग को कल पढ़ा देंगे तब आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैं इतना बता रही हूँ कि हाँ मैं इस तरीके से बीबीडी तैयार करूंगी, आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा। बाकी है देवताओं और देवियों का चित्रण है, तो सभी ने बताया है इसका राइट आंसर पहाड़ी, पहाड़ी या राजस्थानी, पहाड़ी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहाड़ी। कौन से स्कूल विशेषता है देवताओं और देवियों का चित्रण है पहाड़ी में। ठीक है, अच्छा मंदिर अच्छे लगते हैं, ग्राफिक नहीं। ताजमहल पर कौन सी किताब जो है कैलीग्राफी पर तैयार की गई है, चलिए तो बताइएगा कौन सी बुक है, गीता है, दास्ताने मुमताज है, तुझुके जहांगीर, तुझुके शाहजहां, या फिर कुरान। तो सभी लोगों ने बताया है 35 का डी, तो बिल्कुल आंसर कौन सा हो जाएगा, 35 का बी आंसर। वेरी गुड, बी दास्ताने मुमताज, 35 का बी नहीं डी हो जाएगा, कुरान, कुरान हो जाएगा ना, तो कुरान हो जाएगा। तो ताजमहल पर कौन से अर्वक्स शैली में लिखी हुई है, मैंने आप लोग को एक बार ताजमहल का मैंने शॉर्ट वो शॉर्ट्स भी बनाया तो उसमें बताया भी था, अर्वक्स शैली में लिखा है, कैलीग्राफी में लिखा है। ठीक है, हाँ हर बार कंप्लीट, ताकि एक नोट्स भी बनाना पड़े। हाँ कृष्णा मैंने उसको भी ऐड कर दिया है, उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग एक बार देखिएगा, एनसीईआरटी की, यूथ की और जो थ्योरी की है, उन तीनों की जो अभी रिसेंटली में कराया है सबकी प्लेलिस्ट बना दी है। भारतीय मंदिर के कुछ हिस्सों के सही अवरोही क्रम का क्रम में पहचान करें, चलिए तो बताइएगा भारतीय मंदिर के, तो सभी ने 36 का ए आंसर बताया है, ए 36 का ए, बी भी आंसर बताया है, क्रेजी, गुड आफ्टरनून। चलिए बताइएगा 36 का बी, बी अधिष्ठना कलाशा उरुशिखरा। देखो यहाँ पर, देखो अलग अलग नाम दिए, देखो यहाँ पर आप लोग को बताते, देखो अधिष्ठान ये होता है, अधिष्ठना लिखा है अधिष्ठान, ठीक है, जो क्या होता है
ये उल्टा है, ये उरु शिखर है ना, उरु शिखर जो शिखर के ऊपर बने होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि शिखर ये हो गया और यहाँ पे उरु श्रृंग वो होते हैं ना वहां पर, और बाकी जो कलश है तो वही चीज है। अब देखो यहाँ पर उल्टा, ये मान लो कि ये क्या हो गया, अधिष्ठान हो गया, ये हो गया जगती। देखो मंदिर मैंने कैसे बनाया है चलो बस आप लोग को समझ में आना चाहिए। जैसे कि ये जो है ये जगती हो गया, अधिष्ठान हो गया, ये चीज हो गया। चलिए आप लोग को बताएंगे तब ये अधिष्ठान। अब यहाँ पर उल्टा बनाया है तो मतलब उल्टे की तरफ, पहले यानी कि जो कौन सा आ जाएगा, पहले ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे कलश आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे उरुशिंगर, ठीक है, यानी कि सबसे पहले ये आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है नहीं 37, गर्भगृह। गर्भगृह क्या है मैम? हम कह रहे हैं कि टॉपिक पढ़ाइए, आप सब ऐड कर दीजिए ताकि एक बार ही मैं, चलो इसके बारे में बात करते हैं। 37 का ए आंसर बताया है गर्भगृह, ये तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं, किस सम्राट ने कुतुब मीनार को पूरा किया और इसमें 3 कोषागार और जुड़वा दिए, तो वो कौन है? 37 का ए आंसर दिया है और 38 का आंसर बताइएगा। तो सभी ने आंसर दिया है तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक मिनट, ये वाला मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था क्योंकि मैंने कैसे बताया था, एक मिनट, ये ऐसे बताया था ना मैंने, ये जगती हो गया, ठीक है, मंदिर ऐसा होता है ना, जैसे मंदिर ये हो गया और ये ऐसे करके ये हो गया, यहाँ पर कलश, ठीक है, ये हो गया कलश, बाकी कलश, ठीक है, यानी कि ये जो हो गया ये कलश हो गया, ये उरुश्रंग हो गया, बाकी ये जगती हो गया, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, फिर तो कलश होगा ना सबसे, यानी कि अवरोही क्रम में है, ठीक है। वैसे पहले नंबर पर ये आएगा तो पहले नंबर पर कलश आएगा ना, पहले कलश होगा, फिर उरु शिखर होगा, फिर यहाँ पे अधिष्ठना यानी कि अधिष्ठान जिसे कहते हैं, जगती कहते हैं ना, तो ये होगा ना इसका आंसर। नहीं, ये आंसर होगा थर्ड नंबर, थर्ड नंबर इसका राइट आंसर है, ए वाला सही है। नहीं, पहले, हाँ पहले कलश होगा, बिल्कुल सही, पहले तो कलश होगा ना, ऊपर से अगर देखा जाए यानी कि पहले जो होगा अवरोही, लेकिन अवरोही क्रम में लिखा है ना ये, लेकिन चलो यही आंसर, वैसे चलो हाँ यही उल्टा होगा क्योंकि ये जगती पहले आएगा ना, लेकिन यहाँ पर इसको पहले कलश हो जाएगा क्योंकि अवरोही क्रम में है। क्वेश्चन नंबर 37 है, दे दिया आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस सम्राट ने कुतुब मीनार को पूरा किया, उसमें 3 कोषागार जोड़े, तो बताइएगा इसका राइट आंसर। अवरोही ऊपर से नीचे ही होगा, नहीं वो सही है, ऊपर से नीचे, हाँ बिल्कुल सही का, ऊपर से नीचे, बिल्कुल सही। चलिए तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सभी ने आंसर दिया है इल्तुतमिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, 39 है, ब्लैक पैगोडा में भारी पहियों के कितने जोड़े हैं, तो बताइएगा भारी भारी पहियों के कितने जोड़े हैं, तो सभी ने आंसर दिया है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल 12 हो जाएगा। कितने जोड़े हैं? 12। तो ब्लैक पैगोडा में भारी पहियों के कितने जोड़े हो जाएंगे? टोटल पूरे 12 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है, बताइएगा। अभी देखो आप लोग को ये एक काम करिएगा आप लोग, कि अभी 2018 का पेपर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग अपने खुद से एक काम करिएगा, मैंने इसको एक बार और भी मैंने कराया था, बहुत पहले कराया था, डिटेल्स में कराया था, तो आप लोग उसको एक एक क्वेश्चन को जरा डिटेल्स में पढ़िएगा, क्योंकि तो खुद से पढ़ेंगे आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और वो कभी भी नहीं भूलेंगे। एक 2021 का, एक 2018, 2021 का तो मैंने कराया ही डिटेल्स में, इसको भी एक बार पढ़िएगा। जैसे ब्लैक पैगोडा है तो ब्लैक पैगोडा के बारे में पूरी तैयारी करिए। बाकी यहाँ पर है भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है, अब भारत मंदिर का हिस्सा नहीं है तो बिल्कुल यहाँ पर बेशारा लिखा है, बेशर, ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है ये वाला, बाकी कलश, जगती, विमान, ये सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 41 है, किस सम्राट ने दरबनामा को चालू किया था, बताइएगा। बिल्कुल यहाँ पर, बिल्कुल अमीशा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वैसे ही बेशारा लिखा, बेशर होगा, भारतीय शैली का जो है वो शैली है। बाकी है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस सम्राट ने दरबनामा को चालू किया, चलिए तो बताइएगा दरबनामा को चालू किसने किया है, तो बिल्कुल यहाँ पर अकबर ने किया था दरबनामा को चालू। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्ति कला किसकी है, चलिए तो बताइएगा भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्ति कला किसकी है, तो सभी ने जो आंसर दिया है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल, क्योंकि सार्वजनिक है
और बिल्कुल एकदम ऐसा खुले वातावरण में रखा है बिल्कुल। तो यहाँ पर इसका संथाल परिवार, सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला। क्वेश्चन नंबर 43 है, कुल्लू, जो कुल्लू स्कूल है सबसे पुराना नाम क्या है? चलिए तो बताइएगा। 42 का सी आंसर दिया है रसाजनी, रसाजनी। चलिए तो बताइएगा इसका राइट आंसर, कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? तो सभी ने बताया है कुलंत पीठ, बिल्कुल सही है, राइट आंसर है, तो बिल्कुल कुलंत पीठ हो जाएगा। हाँ मैंने सोचा रसाजनी नाम है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन से कलाकार स्वतंत्रता से संबंधित दांडी मार्च को चित्रित करते हैं? चलिए बताएगा। तो 43 का डी आंसर दिया है नंदलाल बोस, वेरी गुड। तो बिल्कुल यहाँ पर है दांडी मार्च है तो चित्रित करते हैं, तो बिल्कुल नंदलाल बोस है। क्वेश्चन नंबर है 45 है, राधा जो है बनी ठनी किसने चित्रित किया है? बस सॉरी, ये क्या है, बासवंत या फिर दसवंत होगा, ये बासवंत लिख दिया है। दसवंत है, निहाल चंद है, मिस्किन है या फिर नूरुद्दीन है? तो सभी ने आंसर बताया है बिल्कुल निहाल चंद है। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस सम्राट ने अपने कोर्ट के लिए एक कलाकार विचित्र को नियुक्त किया था? तो विचित्र को नियुक्त किसने किया था? 45 का बी आंसर दिया है सभी लोगों ने, अकबर है या शाहजहां है? विचित्र। 46 का ए आंसर दिया है, 46 का ए, अच्छा सभी लोगों ने ए ही आंसर दिया है, नहीं कुछ लोगों ने बी भी आंसर दिया है। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन हो जाएंगे, यहाँ पर किस सम्राट ने कोर्ट में विचित्र को नियुक्त किया था, क्यों, कौन हो जाएगा? शाहजहां हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग जो है महाभारत की कहानी दिखाती है? मगहनदा की विजय, द हार्ट ब्रोकन, शांतनु और मत्स्यगंध, द आर्केस्ट्रा। चलिए तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो पेंटिंग है महाभारत की कहानी दिखाती है, तो 47 का सी आंसर दिया है सभी लोगों ने, शांतनु और मत्स्यगंध, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, 48 है, राजा रवि वर्मा के निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र भारतीय अर्थशास्त्र की दयनीय अवस्था को दर्शाता है? तो राजा रवि वर्मा के निम्नलिखित चित्रों में कौन सा चित्र भारतीय अर्थशास्त्र की दयनीय अवस्था को दर्शाता है? तो 48 का ए आंसर दिया है भिक्षुक परिवार, भिक्षुक परिवार। चलो तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, भिक्षुक परिवार, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 49 है, 49 क्या कह रहा है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, मतलब इसने बहुत परेशान कर रखा है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। तो चलिए इसका पहले बात करते हैं। अब देखो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने करी है, मैं आपको इसमें भी बता देती हूँ कि तो जो आंसर माना है। अब देखो यहाँ पे गंगेंद्रनाथ भी है, शैलेंद्रनाथ भी है, अवनींद्रनाथ भी है, रविंद्रनाथ भी है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर माना है DSSB में वो यहाँ पर जी वो सॉरी A.N. टैगोर माना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल आर्ट की स्थापना, क्योंकि बहुत सारे में कभी ऐसा नहीं हुआ है एग्जाम में, कभी एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ है कि इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल आर्ट में गंगेंद्रनाथ का नाम ना लिखा हो, ठीक है। और यहाँ पर सिंगल सिर्फ अवनींद्रनाथ टैगोर का ही नाम लिखा। इंडियन सोसाइटी जो ओरिएंटल आर्ट की वैसे भी स्थापना जो करी है वो बिल्कुल यहाँ पर G.N. टैगोर ने ही करी है। A.N. टैगोर ने तो क्या है आधारशिला रखी है, हाँ, जो इसकी स्थापना करी है G.N. टैगोर ने करी है, ये सही हो गया होगा क्योंकि देखो आंसर की है, हाँ दोनों ने ही करी है, बिल्कुल सही है, दोनों का ही वो था। लेकिन आप लोग को एक चीज बता देते हैं, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम में ऐसा हो जाता है कि दो ऑप्शन हमेशा रह जाते हैं, G.N. टैगोर और ये अवनींद्रनाथ, दोनों, क्योंकि अवनींद्रनाथ रहते हैं यहाँ के वो क्या है सचिव थे, और G.N. थे ये वहां के क्या थे निदेशक थे, लेकिन इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या करी थी ओरिएंटल आर्ट की इन्होंने स्थापना करी थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल जो है विशुद्ध भारतीय कलाकार कहलाता है? बस भोलेनाथ नहीं है, अच्छा भोलेनाथ नहीं, हाँ उसमें सब कुछ थोड़ी ना मिलेगा। चलिए तो बताइएगा, विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है, तो बिल्कुल मेवाड़ शैली हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो सभी ने बताया है, चलिए तो इसका राइट आंसर मेवाड़ हो जाएगा, विशुद्ध भारतीय शैली। क्वेश्चन नंबर 51 है, उल्लेखनीय मूर्ति जो कौन सी है श्रम की जीत कहाँ स्थित है? तो सभी ने 50 का बी आंसर बताया है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है।
अच्छा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली बता दी, श्रम की जीत। अच्छा एक स्टूडेंट बताएगा श्रम की जीत राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली है, तो सभी स्टूडेंट बताएंगे राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली है ना। लेकिन कोई एक कहेगा तो सब लोग कहेंगे हाँ यही है। कहाँ पर है श्रम की जीत, कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताएगा। कोई बताया नहीं डी रिप्लेस भी क्या है। देखो सोलो सोलो लाइफ स्टाइल, देखो यहाँ पर बच्चों को ये भी नहीं पता है कि देखो बच्चे कह रहे हैं डी रिप्लेस भी क्या है, बताओ। 51 का ए, ए आंसर दिया है मरीना बीच। देखो अब ए कर दिया है दिल्ली और मद्रास भी। देखो यहाँ पर देखो यही चीज बताया राष्ट्रीय संग्रहालय वो जो है एन नहीं, राष्ट्रीय संग्रहालय कहा एनजीएमए है वो, तो एनजीएमए राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय है। एनसीईआरटी की इंग्लिश में भी आती है ललित सिंह, एनसीईआरटी में नहीं, ये नहीं उसकी डेफिनेशन नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं दिल्ली बोर्डिंग सर्वे, नहीं ये नहीं पूछ रहे हैं डी रिप्लेस भी है क्या, ये देखते हैं कौन स्टूडेंट बताएगा, फिर मैं उसके बाद बताती हूँ। पहले बताओ जो है डी रिप्लेस भी है क्या, उसकी फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा है क्या, मतलब एक पहले आप लोग बताएं फिर बताती हूँ, आप लोग पहले बताएं कि मतलब ये क्या है। उल्लेखनीय श्रम की मूर्ति कहाँ स्थित है, मैम स्थिति पूछ रहा है, उल्लेखनीय मूर्ति श्रम की जीत कहाँ स्थित है, स्थिति पूछ नहीं रहा है, स्थित पूछ रहा है स्थान, तो मरीना बीच चेन्नई हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 52, आधुनिक नहीं है पूछा है, ओके मद्रास ही होगा, हाँ वही मैं बोल रही हूँ, एनजीएमए नहीं है राष्ट्रीय संग्रहालय है ना तभी। अच्छा मैम हम उसमें शामिल नहीं है तो क्या जाने, अरे नहीं क्यों, जैसे एनसीईआरटी जानते हैं, अब कोई स्टूडेंट पूछ रहा है अच्छा एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी क्या है, अब कोई पूछे आप लोग को पता होना चाहिए एनसीईआरटी क्या है, एनटीए क्या है, और क्या है एनटीए क्या है, यूजीसी क्या है, और क्या है डी ट्रिपल्स भी क्या है। यहाँ फुल फॉर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है कि ये है क्या चीज, ये एनटीए होता है, एनसीईआरटी होती है, यूजीसी होता है, डी ट्रिपल्स भी होती है, ये सब क्या होती है ये सब पता होना चाहिए। तो चौगान प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है, तो सभी ने बताया है इसका राइट आंसर दारा जोधपुर, हाँ बिल्कुल ललित बिल्कुल 100% जिस तरह से मैंने कराया है उससे 100% क्लियर होगा। अभी देखो ट्वेल्थ क्लास का भी कराते हैं 101%, मेरी बात ये बांध के रख लो, ये डी ट्रिपल एस बी का आप लोग पढ़िएगा जिस तरह से मैंने एनसीईआरटी कराया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं जो आपका जो टीजीटी से भी रिलेटेड होता है वो भी ऐड कर दिया है, तो आप लोग का अच्छे से हो जाएगी तैयारी, ठीक है। चलिए तो निम्नलिखित में से कलाकार भारतीय लोक कला से संबंधित है, तो सभी ने इसका राइट आंसर बताया है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल यामिनी राय हो जाएंगे क्योंकि लोक कला से और कालीघाट की चित्रकला से बहुत प्रभावित है यामिनी राय। किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंडोला राग चित्रित किया है, चलिए तो बताइएगा, तो क्या आंसर बताया है दिल्ली की परीक्षा कराने के लिए क्या है, चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। हाँ यही चीज रोशनी बिल्कुल सही, यही चीज मैं पूछ रही थी किसी के मुंह से निकले कि हाँ ये एक संस्था है, ठीक है कमीशन, हाँ ये सब क्या होती है, सबकी अपनी अपनी, जैसे कि कुछ लोग होते हैं तो सेंट्रल लेवल पे होते हैं, ये संस्था होती है, ठीक है उसी तरीके से ये भी होता है। तो किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंडोला राग चित्रित किया है, तो सभी ने आंसर बताया है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 54 का ए आंसर दिया है, क्लियर नहीं दिख रहा है, चलो अभी क्लियर दिखेगा, अभी उसकी थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तभी आप लोग को दिखेगा सही, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अहमदनगर, ठीक है। दक्षिणी शैली, दक्षिणी शैली अभी आएगा आप लोग को फिर से पढ़ाएंगे। मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था, मुस्तफिक है, मीर सैयद अली है, कमल है, फजल है, तो सभी ने आंसर दिया है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सभी ने 55 का दिया है, इसका राइट आंसर 55 का बी आंसर दिया है, मीर सैयद अली, मीर सैयद अली है, वेरी गुड। तो मुगल शैली का जो फारसी भी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं ईरानी, तो बिल्कुल मीर सैयद अली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, नुजूम उल उलूम किस संग्रहालय में संग्रहित है, ये तो अभी आप लोगों ने एकदम ताजा ताजा पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं, एकदम फ्रेश वाला है ये, तो जल्दी से बताइएगा नुजूम उल उलूम किस संग्रहालय में संग्रहित है, तो सभी लोगों ने बताया है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा,
तो सभी ने बताया है कौन सा केंद्र है, जल्दी से बताएगा अगर आप लोगों ने बिल्कुल एकदम एकदम फ्रेश फ्रेश पढ़ा है आप लोगों ने। डबलिन में, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया है, चेस्टर बीटी लाइब्रेरी डबलिन हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, ये चित्रित किया है नुजूम उलूम कहाँ पर, किसी ने बताया ना, चेस्टर बीटी, बीजापुर, आराध्या, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दक्कनी में, हाँ ये तो है दक्कनी में, दक्कनी में कहाँ पर, बीजापुर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, कीर्ति एंड आर्टिस्ट सिड एंड प्रभात, वेरी गुड एंड शमा, चलो सभी लोग ने बहुत चांस दिया है, दीप्ति, अनीता, उमा। क्वेश्चन नंबर 57 है, शाहजहां की मृत्यु की चित्रकारी किसके द्वारा करी गई थी। बस अगर आप लोग इस तरह से बाकी में, अगर आप लोग बाकी में जैसे मैं पूछती हूँ और आप तुरंत आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग की एकदम सॉलिड वाली तैयारी है, कि बस आप लोग को बस एग्जाम पेपर दे देना है, बस हो गया आप लोग का सिलेक्शन, बस। चलो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस तरह से जो आंसर दे देता है तो समझ जाएगा कि आप लोग की बेस्ट तैयारी है। तो 57 का सी आंसर दिया है अवनिंद्र, देखो नाम तो देखो कितना खतरनाक लिखा है, अवनिंद्र, मतलब भा जो है ना, शब्द भी एकदम एकदम भयंकर वाला है। तो बिल्कुल यहाँ पर शाहजहां की मृत्यु है तो बिल्कुल अवनिंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 58 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बंगाल स्कूल के लघु चित्रों से संबंधित नहीं है। तो कौन सी ऐसी विशेषता है जो बंगाल स्कूल के लघु चित्रों से संबंधित है ही नहीं, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो सभी ने 58 का बी आंसर बताया है, और 58 का बी, सभी लोग ने 58 का बी बताया है, वेरी गुड, तो बिल्कुल 58 का बी ही है, ग्रीस रोमन कला प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है। तो बंगाल स्कूल के लघु चित्रों की ये विशेषता नहीं है, ग्रीस कहाँ से आ गया, ग्रीक रोमन। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस कलाकार ने आदिवासियों के जीवन के दृश्यों को चित्रित किया और पद्म भूषण से भी सम्मानित भी हुए, तो वो कौन है, ऐसे कौन है वो, चलिए बताइएगा, अमृता शेरगिल है, या फिर जामुनी राय है, या फिर ज्योति भट्ट है, या फिर नंदलाल बोस। तो सभी ने बताया है, मैम हम नहीं दे पाते हैं आंसर, कृष्णा सिंह, अच्छा नहीं दे पाते हैं, तो आप लोग को और भी अच्छी तैयारी करनी है, इन लोगों ने बहुत अच्छी से तैयारी कर रखी है, एकदम बिल्कुल एकदम रटते गए हैं आप लोग, पता है रिवीजन नहीं करते ना। अभी देखो बहुत सारे स्टूडेंट, देखो ये पेपर मैं करा रही हूँ जिसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट, उनको पता है ना सिलेक्शन लेना है तो लेना है, अभी लोग जाके, मुझे पता है इसमें भी सब लोग खुरापाती करेंगे, आई मीन जो क्यूरियोसिटी होती है, जो जानने की इच्छा होती है, वो चीज़ अपने अंदर लेकर आओ, अपने अंदर लेकर आएंगे तो आप लोग को और भी अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर देखो कि हाँ बाकी में ऐसा किया था कि नहीं किया था, किस कलाकार ने आदिवासियों के जीवन का, तो यहाँ पर सभी लोगों ने देखो आंसर बता दिया कि हाँ जामनी राय है। अब जामनी राय के बारे में पूरी एकदम खोज लो, क्या है जामनी राय, इनका जन्म देखो, इनकी मृत्यु देखो, इन्होंने कौन कौन से काम करा है, किस किस से प्रभावित रहे हैं, सबके बारे में पढ़ लो, ये होती है तैयारी। क्वेश्चन नंबर है 60 है, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसके द्वारा चित्रित किया गया है, बताइएगा। देखो ये तो डेट और वो भी बताने लगे आराध्या, जय सिंह, प्रभात, निशा, एसपी, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए देखो सचिन जी किसका, 2025 नहीं होता, PYQ पेपर, चलो ये अच्छी बात है, देखो कितना अच्छे से, तो डरो मत, यहाँ पर सभी लोग एकदम साथ में आप लोग का साथ देंगे, बाकी बस हाँ, लेकिन अभी अभी तक साथ देंगे, एग्जाम टाइम में देंगे नहीं साथ, एग्जाम में तो जानते ही नहीं होंगे हम आपको, जानते ही नहीं है। कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन तो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल मिस्किन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 61, अभी देखो मैं पूछू मिस्किन, मिस्किन तो खैर तुरंत ही बता देंगे, क्या ही पूछे, मिस्किन कहाँ के कलाकार हैं, और बाकी मिक्सिंग का कौन सा विषय था ये तो बता ही सकते हैं। अच्छा कोई दिख नहीं रहा है राज, कोई दिख नहीं रहा है, कोई दिख नहीं रहा है, चलिए बताइएगा, माउंट आबू यानी कि दिलवाड़ा मंदिर, जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो सभी ने आंसर दिया है मुगल, तो सभी ने मुगल आंसर दिया है, मुगल का तो है ही भाई, सही है, मुगल में कौन से पशु पक्षी, हाँ वेरी गुड अमीशा, पशु पक्षी किसका था, पशु पक्षी किसका कलाकार था, अकबर के समय का, वेरी गुड, ललित, राम, लखन, यही चीज मैं पूछना चाहती थी, चलो यही चीज मैम हमें भी टेस्ट में जो, अच्छा हरिकेश, बिल्कुल आप मैसेज करिए, आपको तुरंत लिंक मिलेगा, लिंक नहीं मिलेगा तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोग को लिंक सेंड कर दूंगी, आप लोग इस लिंक पर ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है, मैसेज करिएगा, आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से।
माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? तो सभी ने आंसर दिया है बिमल शाह ने करवाया है। क्वेश्चन नंबर 62 है, कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए, यह वाक्य किसने कहा है? अब देखो यह वाक्य किसने कहा है, अब देखो इनके कथन भी होने लगे, तो यानी कि कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना है, यह वाक्य किसने किसने कहा है? तो सभी ने इसका राइट आंसर दिया है क्या है, के हेबर। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, के हेबर लिखा है, के हेबर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, अजंता गुफाओं में कितनी शैली मिल सकती है? तो रेखाओं की शैली है अजंता गुफाओं में, 1912 कर्नाटक भाग्यश्री। वेरी गुड, चलिए तो यहाँ पर सभी लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है, 20 20। चलो सभी लोगों ने 20 बताया है जो बिल्कुल सही उत्तर है। देखो यहाँ पर तो पूरा डी ट्रिपलेस बी में हो गया, बताओ 2018 में आप लोग पेपर दिए होते तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाता, लेकिन आप लोगों ने पेपर दिया ही नहीं, तो बताओ इतना अच्छा पेपर आप लोगों ने दिया नहीं, इतना अच्छा पेपर मिस कर दिया आप लोगों ने। याजी क्या है, कल आप लोग याजी पढ़ेंगे। आज मैं जब एनसीईआरटी लिख रही थी और एनसीईआरटी में ही ये याजी लिखा हुआ आया था, मैंने कहा हाँ ये मैंने किसी पेपर में कराया है कि याजी क्या होता है। ठीक है, तो याजी बताया है आप, अब तक शादी भी हो जाती है, हमारा शादी ही पहली चिंता है, मतलब अब तक शादी भी हो जाती है ना, सिलेक्शन हो जाता तो शादी भी हो जाती है, अच्छी वाली है ना। तो बिल्कुल आधारभूत मंदिर की पौराणिक कथाओं से संबंधित जो है, यहाँ पर आधारभूत मंदिर में पौराणिक गाथाओं से संबंधित, यहाँ पे जानवर लिखा है, जानवर, आधारभूत मंदिर में पौराणिक गाथाओं से संबंधित जानवर। ठीक है, बाकी है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, नटराज के बाएं हाथ में भुजंग निशिता, मतलब नटराज के बाएं हाथ में भुजंग निशिता उनके भाव मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है, इसका मतलब क्या है? अब नटराज की प्रतिमा मैंने आप लोग को इतना अच्छा से कराया है कि आप लोग का एक भी नटराज की प्रतिमा से आप लोग का क्वेश्चन गलत नहीं जा सकता है, मैंने पूरा डिटेल्स लिखवा दिया, एक ही नटराज मूर्ति के बारे में बता दिया है। तो सभी ने 65 का ए आंसर दिया है, ए माया या ब्रह्म के पर्दे को दूर करना। वेरी गुड, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 66 है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने चित्रों में मोम और तैल रंग मिश्र तकनीक का उपयोग किया है? तो वो कौन है, चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सभी ने आंसर दिया है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने चित्रों में मोम और तैल रंग मिश्रण तकनीक का उपयोग किया है? तो बताया है सभी ने 66 का डी आंसर दिया है, जी आर संतोष आंसर दिया है। वेरी गुड, चलो ये भी आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर है, जी आर संतोष ही है। क्वेश्चन नंबर है 67 है, गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण किसने किया है? तो किसने किया है, चलिए बताइएगा। तो सभी ने आंसर दिया है, 67 का बी आंसर दिया है, ज्योति भट्ट। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो याद रखिएगा, अच्छा भी क्वेश्चन है ये वाला, कि गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण किसने किया है? ज्योति भट्ट ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ है? तो बताइएगा कितनी बार नष्ट हुआ है। इसका राइट आंसर 67 का आंसर दिया है, 8 का सी आंसर दिया है, 7 से अधिक बार, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 69, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है प्रारंभिक पाल शैली का एक उदाहरण है? तो वो कौन सा मंदिर है बताइएगा, प्रारंभिक पाल कला, पाल शैली का एक उदाहरण है, तो कोणार्क मंदिर है, या फिर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है, कैलाश मंदिर है? तो बिल्कुल सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 670 है, जोगी मारा गुफा की ऊंचाई कितनी है? अब ये तो पता ही होगा कि ऊंचाई पूछे, चाहे चौड़ाई पूछ ले, चाहे कितना भी पूछ ले, तो पता ही है, तो यहाँ पर जो है 10 × 6 × 6 हो जाएगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो बिल्कुल 6 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है, कौन सी साइट जो है हॉर्स पैटर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है? तो वो कौन सी है, सुरकोटदा है, कालीबंगा, लिख दिया कालीबंगा।
लोथल और या फिर बनवाली। तो सभी ने आंसर दिया है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सभी ने दिया है सुरकोटदा। तो बिल्कुल सुरकोटदा हॉर्स पैटर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग जगन्नाथ की मूर्ति में किया गया है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो सभी ने आंसर दिया है, क्वेश्चन नंबर 71 का ए आंसर दिया है धातु, धातु की लकड़ी जगन्नाथ की मूर्ति में किया गया है। चलिए बताइएगा 72 का सी, हाँ बिल्कुल लकड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो जगन्नाथ की मूर्ति में यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, लकड़ी का। क्वेश्चन नंबर है 73 है, कौन सा भारतीय कलाकारों कलाकार रंगों के विकर्ण आकृतियों के बीच चित्रित चित्रों के लिए जाना जाता है, बताइएगा कौन सा भारतीय कलाकार रंगों के विकर्ण आकृतियों के बीच चित्रित चित्रों के लिए जाना जाता है। तो विकर्ण से ही पता लगा लिया होगा सभी लोगों ने, तो कौन है इसका राइट आंसर, तो तैयब मेहता, वेरी गुड। तो बिल्कुल तैयब मेहता हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 74 है, 22 अगस्त 2018, 22 अगस्त 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार का निधन हो गया, वह कलर विस्कोसिटी प्रोसेस के मास्टर था, बताइएगा। तो 73 का डी आंसर दिया है सभी लोगों ने, अनुपम सूद, अनुपम सूद दिया है, और बताइएगा, अच्छा बी आंसर दिया है, सब लोग अनुपम सूद क्यों बता रहे हैं। 74 का आंसर दिया है ए, कृष्ण रेड्डी, हाँ वेरी गुड। तो याद रखिए, देखो 22 अगस्त 2018 निम्नलिखित में से कौन से कलाकार का निधन हो गया, वह कलर विस्कोसिटी प्रोसेस के मास्टर भी थे, विस्कोसिटी भी बोल दिया है, तब तो आप लोग का आसान हो गया, और विस्कोसिटी के लिए एक ही जाने माने कलाकार है जिनका नाम है कृष्ण रेड्डी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 75 है, जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था, चलिए तो बताइएगा। तो आंसर 74 का ए आंसर दिया है, एंड 75 का आंसर बताइएगा, जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था, तो सभी ने बताया है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल ग्रुप 1890। ठीक है, इस बार बहुत कलाकार पूछे गए हैं, हाँ कलाकार भी तो आते हैं, कलाकार तो आप लोग के चल ही रहे हैं। 75 का सी आंसर दिया है, हड़प्पा। तो बिल्कुल, किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था, रोपड़, लोथल, हड़प्पा या फिर रंगपुर, तो सभी ने बताया है, तो सूती कपड़े का टुकड़ा यहाँ पर कब मिला है, 75 का सी आंसर बताया है हड़प्पा। तो बिल्कुल सूती कपड़े का एक टुकड़ा जो मिला था वो हड़प्पा से मिला था। क्वेश्चन नंबर है 77 है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अजंता गुफा के समान है, अब देखो यहाँ पर समान पूछा है, अजंता गुफा के समान है, बादामी गुफा, सित्तनवासन, सिगिरिया या फिर एलोरा, तो बिल्कुल अजंता गुफा के समान कौन सी हो जाएगी, तो बिल्कुल सिगिरिया, ये भी आप लोगों ने बिल्कुल अभी फ्रेश फ्रेश पढ़ा है ना, तो बिल्कुल सिगिरिया हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 78 है, 78 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कलाकार ने युद्ध स्मारक के निर्माण पर नेपाली धातु ढलाई सीखी थी, अब बताइएगा किस निम्नलिखित में से किस स्मारक ने युद्ध स्मारक सॉरी किस कलाकार ने युद्ध स्मारक के निर्माण पर नेपाली धातु ढलाई सीखी थी, तो वो कौन है, तो सभी ने बताया है इसका राइट आंसर, शंखो चौधरी, शंखो चौधरी है, शंखो चौधरी, वेरी गुड, चलो शंखो चौधरी हो गए। क्वेश्चन नंबर है 79 है, किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया, चलिए तो बताइएगा, हाँ बी होगा बिल्कुल, 75 8 का बी आंसर दिया है सभी लोगों ने, और 79 का बताइएगा किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा मिला है, तो सभी ने बताया है इसका राइट आंसर हड़प्पा, चलिए राम किंकर और शंखो चौधरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रभात, चलिए तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है, तो सभी ने बताया है हड़प्पा, जो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर है 80 है, 80 80 80, चलिए हाँ, गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह पाया गया था, तो 79 का आंसर दिया है बी, आंसर दिया है पटना, पटना और आंसर हड़प्पा। मैम इस बार बहुत कलाकार पूछे गए हैं, हाँ कलाकार तो पूछे ही जाएंगे, कलाकार हैं, कलाकार तो इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी सारे आर्टिस्ट हैं, तो कलाकार तो पूछे ही जाएंगे। ठीक है, मंदिर हो गए, मंदिर पूछे जाएंगे, यही सब तो आता ही है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा है, गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह, तो बिल्कुल कालीघाट हो जाएगा। ठीक है, कालीघाट से मिला था
क्वेश्चन नंबर है 81 है, किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट ने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया था? बताइएगा। अच्छा तो बताइए फिर, एक्सप्लेन करके बताइएगा मनीषा। कालीघाट के चित्र यामिनी राय। हाँ बिल्कुल, तो किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट ने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया था? चलिए तो बताइएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? अकबर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 82 है, राम किंकर बैज मूर्तियां ज्यादातर किसकी बनाई गई हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस है, टेराकोटा है, पीतल है, सीमेंट है। तो सभी ने आंसर बताया है, राम किंकर बैज की मूर्तियां ज्यादातर किस में बनाई गई हैं? तो बिल्कुल सीमेंट व कंक्रीट में बनाई गई हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सीमेंट हो जाएगा। तो सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, करण, रामलखन, अमीशा एंड अनीता, आलोक, अंशु, पूजा, रा, निशा, प्रेम, जैन सिंह, मनीषा, किडजोन, जैन सिंह। चलिए तो सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत माता और संध्या दीप। भारत माता और संध्या दीप मतलब किसने चित्रित किया है? चलिए तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। 82 का डी आंसर दिया है सभी लोगों ने, अवनींद्रनाथ टैगोर। फिर से अवनींद्रनाथ टैगोर आ गए हैं। चलिए तो बिल्कुल भारत माता और संध्या दीप किसने चित्रित किया है? अवनींद्रनाथ टैगोर आंसर दिया है, जो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर है 84 है, कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, मतलब कौन था? चलिए तो बताइएगा। तो 83 का डी आंसर दिया है सभी लोगों ने, तो परखू फत्तू या सजनू या भगवान। तो सभी ने आंसर दिया है सजनू भगवान। अच्छा सजनू भगवान है, हाँ बिल्कुल। तो कुल्लू, देखो ये तो आप लोग याद रख लेना, जितने पहाड़ी राजस्थान बहुत बार है तो बिल्कुल इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सजनू और भगवान हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, शैलेंद्र नाथ असित कुमार हल्दर डीपी राय चौधरी के मास्टर कौन है? इनके सबके, चलिए तो बताइएगा, इन तीनों के ही बताएं मास्टर कौन थे। तो सभी ने बताया है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये भी अवनी बाबू, ये भी अवनी बाबू, हाँ ये भी अवनी बाबू हैं, बिल्कुल सही है। मतलब अवनी बाबू फेमस हो गए। क्वेश्चन नंबर 86 है, अवनींद्रनाथ कह रही हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में अधिकतर चित्रित किया गया है? चलिए तो बताइएगा इसका राइट आंसर। 85 का बी आंसर दिया है जैन सिंह, अनीता, निशा, छाया एंड अमित, प्रेम एंड शमा, नीरज, रेखा, पूजा, लालित। वेरी गुड, चलिए तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर विजय जो कोटा 86 का डी, तो 86 का डी आंसर दिया है शिकार दृश्य, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, हुसैन द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सबसे आम जानवर कौन सा है? तो हुसैन द्वारा मतलब ये तो सबसे ज्यादा, अच्छा शालिनी सरोज, हाँ नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा नाम रह जाता है तो इतना वो मत होया करिए। चलिए कोई बात नहीं, बाकी आएगा कभी ना कभी आएगा, आप सिलेक्शन लेके आइए और क्या, सबसे ऊपर नाम रहेगा आपका। हुसैन द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे आम जानवर कौन सा है? आम घोड़ा है, वेरी गुड, देखो इतनी जल्दी घोड़े घोड़े दौड़ा दिए। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र है? चलिए तो बताइएगा। तो सभी ने बहुत अच्छा आंसर बताया है, 88 का सी आंसर बताया है, पटना, पटना बताया है, और बताइएगा। तो चलो बिल्कुल सही है, पटना ही ये राइट आंसर है, कंपनी स्टाइल पटना। क्वेश्चन नंबर 89 है, बस आपका एक ही क्वेश्चन और रह गया है। अरे ये कहाँ रह गया, कंपनी शैली में किस प्रकार का कैनवास इस्तेमाल किया जाता है? और जो भी स्टूडेंट DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट इंडिविजुअली जो है उसकी बुक लें, यानी कि अलग अलग बुक लें। जैसे कि हिंदी की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये नहीं कि हिंदी की एक मिक्स एक बुक ले लो, नहीं सॉरी, हिंदी की मिक्स वाई ले लो कि जिसमें सब सभी हो। एक आप लोग को लगता है कि हिंदी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आपको लगता है इन पांच सब्जेक्ट में से जो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं ना, बस उसी को तैयार करो। जैसे हिंदी बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो आप लोग हिंदी की एक बुक ले लो, अलग सी बुक ले लो, ठीक है, और उसको अच्छे से पढ़ लो। कोई हिंदी की कोई कॉम्पिटिशन आती कोई भी, तो सारी बुक अच्छी होती है, मैं तो यही कहती हूँ, सारी बुक अच्छी होती है, सभी टीचर अच्छे होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है। तो बस यही है कि अलग अलग, जैसे हिंदी की ले लो, इंग्लिश की ले लो, ठीक है। अरे ये कहाँ गया,
ऐसे इंग्लिश की ले लो, उस टाइप से अलग अलग बुक ले लो, इंग्लिश की ले लो, रीजनिंग आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, रीजनिंग की ले लो, ये सब है, ये आप लोग में इसमें दो तीन जो ऐसे हैं सब्जेक्ट में आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ठीक है, बाविक कागज और हाथी दांत। अच्छा, ये कागज और हाथी दांत आंसर दिया है, चलो बिल्कुल इसका राइट आंसर यही है, कागज और हाथी दांत। क्वेश्चन नंबर 90 है आप लोग का लास्ट क्वेश्चन। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, पेंटिंग कार्य के निम्नलिखित में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार योकोयामा ताइकोन द्वारा किया जाता है? चलिए तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सभी ने आंसर दिया है 90 का डी आंसर दिया है अवनिंद्र, फिर से अवनिंद्र आ गए। तो ये तो रहा आप लोग का डी ट्रिपल एसबी का 2018 का पेपर। आप लोग इसको बहुत चाहे तो आप लोग अपने खुद से भी बहुत अच्छे से इस पेपर को और भी बहुत अच्छा से बना सकते हैं। अब ये देखो, आपको पता है कि 2021 का पेपर अवेलेबल होता है, एक 2018 का पेपर अवेलेबल होगा। अगर देखो इससे पहले भी पेपर मिल जाता है मुझे डी ट्रिपल एस बी का, तो उसको भी मैं सॉल्व करा दूंगी। वैसे मैंने अभी चेक नहीं किया है, एक आप लोग का ये भी करवा दूंगी, एक चंडीगढ़ का मिलता है, चंडीगढ़ का करवा देंगे। ठीक है, चंडीगढ़ वाला भी करा देंगे, बाकी एक आरपीएससी वाला है, आरपीएससी वाले तो मैंने करा दिए हैं, चलो उसको भी करा देंगे, आरपीएससी वाले पेपर भी करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग के प्रीवियस पेपर होंगे ना, तो उसको भी कम से कम डिस्कशन हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा कि कम से कम पता लग जाएगा कि हाँ कैसे कैसे पेपर आता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन ये है, 20 क्वेश्चन मैंने आप लोग को पहले से बताया था कि ये जो है सब पैडागोजी से आएंगे आप लोग के। ठीक है, पैडागोजी से सबसे आएंगे आप लोगों के। ठीक है, तो ये जो है आईसीटी से भी आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी यही चीज वो सॉरी 10 क्वेश्चन, मैं 20 क्वेश्चन कह रही हूँ, 10 क्वेश्चन ना, 80 हुए 90, 90 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो आप लोग यही देख सकते हैं कि यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास होता है, हम विषय को निम्नलिखित में वर्णित कर सकते हैं, इसको मैं अलग से करवा दूंगी, पूरी कंबाइन करके 10 10 क्वेश्चन, कोई 5 सब्जेक्ट को लेकर अच्छे से इसको एक कंबाइन करके पूरा उसका टी सॉरी जो है इसको अलग से करवा दूंगी, तो आप लोग इसको टेंशन मत लो। बाकी यही चीज कहूंगी कि आप लोग अगर डी प्रेस भी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इंडिविजुअली बुक लीजिए, कोई एकदम साथ में बुक मत लीजिए, उससे अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्या है, फर्स्ट पेपर की तैयारी कराएं, फर्स्ट पेपर की कैसे तैयारी करना है, फर्स्ट पेपर के लिए बहुत कुछ, फिर एकदम सेकंड पेपर वो हो जाएगा। अब देखो मैं तो वही चीज पकड़ती हूँ कि जिसमें मैं बेस्ट करा सकती हूँ। ठीक है, बात रही बात की, इतनी ज्यादा क्लास लेने भी मुझसे भी पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, तीन तीन चार चार क्लास भी लगा दूंगी तब भी आप थक जाएंगे। अभी बस ये है कि हाँ बेस्ट ये करा सकती हूँ कि डी ट्रिपल एस बी की तैयारी के लिए आप लोग की बहुत अच्छा, बस ये हो सकता है कि सब्जेक्टिव का मैं आप लोग की इतनी अच्छी तैयारी करा दूंगी कि आप लोग जब भी जाएंगे ना पेपर देने तो आप लोग कहेंगे कि हाँ ये तो हमारा सब कुछ पढ़ा है, बस ये जितना मैं बताऊं बस आप लोग उतना याद करिएगा। मैम इस बार बहुत कलाकार गुजर गए, अच्छा ये कह रही थी वे अब करा दीजिए, अच्छा ये कहना चाह रही है, इतनी देर से गुजर गए, बहुत सारे कलाकार चले गए है ना। हाँ, तो ये जितने भी मृत वाले हैं, जिनका देहांत हो गया है, जिनकी डेथ हो चुकी है, वो उसको भी करा देंगे। ठीक है, बाकी आप लोग से यही है, बाकी मैम चंडीगढ़ के दोनों पेपर की तैयारी करा दीजिए, चंडीगढ़ के दोनों पेपर, चलो उसको भी करा देते हैं। ठीक है, एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देख लूँ मैं कैसा आता है कैसा नहीं आता है, फिर उसको भी करा देती हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट, बाकी फर्स्ट पेपर की यही कहूंगी कि आप लोग बुक ले लो, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो, अगर आप लोग बाकी में करना चाहते हो, क्योंकि हिंदी तो इतनी पढ़ी हुई होती है कि ज्यादा तो 12th लेवल तक ही आती है, इतनी ज्यादा टफ नहीं आएगी, 12th लेवल तक ही आती है, जैसे कि आप लोग का एनसीईआरटी का आता है, बस वही चीज है कि वही चीज करिएगा जैसे मैं बता रही हूँ, बाकी आपका ऐसी सेम इंग्लिश होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं शाम की क्लास में। अब एग्जाम तो होगा, आफ्टर इलेक्शन होगा एग्जाम, तो उसका चिंता मत करिएगा, मान के चलिए कि जुलाई तक एग्जाम आप लोग के शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जुलाई तक एग्जाम हो ही जाएंगे सभी, जुलाई तक एग्जाम पक्का, मान के चलिए कि जुलाई तक एग्जाम आप लोग तैयार रहिए, और जुलाई में टाइम आते आते टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, उसको लेकिन मैम मुझे 3 घंटे लगते हैं, और सारा दिन हम लोग बोलते हैं कि अगर उसको
लिखने लग जाए तो पूरा दिन नहीं, तो इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ लर्न करा करो, जो पॉइंट्स लर्न करने वाले हैं उसको लिख लिया करो बस, पूरा इतनी पूरी इतनी मत लिखा करो। बाकी तो आप लोग वीडियो देख लो उसका, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। बाकी तो मुझे पूरा इसलिए लिखाना पड़ता है कि ताकि आप लोग उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके, ठीक है। बाकी आप लोग वीडियो से देख लो, इसमें पूरा लिखने की क्या जरूरत है। चलिए फिर मिलते हैं शाम की 7 बजे वाली क्लास में। मुगल कला यूथ चल ही रहा है आप लोग का, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी सभी स्टूडेंट जाते जाते लाइक जरूर करिएगा, हो सके तो। मैं तो लाइक लास्ट में कहती हूँ, जब बच्चे सब चले जाते हैं, बिना लाइक करे चले जाते हैं। नहीं, इंटरव्यू नहीं होगा, डी रिप्रेजेंटेटिव में इंटरव्यू नहीं। बस ये है कि आप लोग का वो जो है वो क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन जरूर मतलब होगा, ठीक है। धन्यवाद संजय। बाकी यहाँ पर जो याद नहीं होता वो सब, हाँ बिल्कुल, और क्या जो नहीं याद होता है वो सब नोट करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।